हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन खुद ही अपने आप से लड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए गलतियाँ तो उन्होंने की है पास्ट में, अब उसके लिए किसी को तो कुछ कह नहीं पा रहे, तो अपने ही आप में उलझे हुए हैं और खुद से खुद की ही लड़ाई उनकी चल रही है कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की। जब हमारी ऐसी सिचुएशन होती है गाइस कि हम गलती तो खुद करते हैं लेकिन उसके लिए किसी को जिम्मेदार तो ठहरा नहीं सकते, है ना, किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसी को कुछ बता नहीं सकते कि उनके साथ क्या चल रहा है, तो क्या होता है फिर खुद से खुद इंसान लड़ने लगता है, खुद में खुद ही परेशान होकर घुट घुट कर जीता है। बस यही कंडीशन आपके पर्सन की है कि जो उन्होंने किया है वो अपनी सारी गलतियां उन्हें समझ में आ रही है, अपनी गलतियों का पछतावा भी है उन्हें, क्योंकि कुछ के पर्सन ने थर्ड पार्टी को ला दिया आपके रिश्ते में, है ना। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी को तो नहीं लाए लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जिससे वो आपसे दूर होने लगे, ठीक है, उन्होंने आपसे अलग हो जाना ही सही समझा। तो आज अपनी गलती का एहसास आपके पर्सन को हो रहा है कि उन्हें एक अच्छे इंसान को उन्होंने खो दिया है, आपके जैसे इंसान को उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, ये आपके पर्सन को लग रहा है, क्योंकि आपकी ज़रूरत अभी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं और जो भी उनके साथ अभी सिचुएशन है तो वहाँ पर उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, तो उन्हें आपकी ज़रूरत है, ये आपके पर्सन को लगता है, इस वजह से मिस भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार उनके दिल में अभी आपके लिए दिखाई भी दे रहा है। तो आपके पर्सन को अब ये लगता है कि उन्होंने गलती कर दी, इस वजह से आप दोनों अलग हो गए, तो अब वो इन सब बातों को ना किसी को बता पा रहे हैं ना किसी से कुछ कह पा रहे हैं, इसी वजह से अपने आप से ही वो लड़ रहे हैं ऐसा दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई देते हैं, क्योंकि वही बात है कि किसी के साथ वो कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं और आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, तो ये उनकी अभी की स्थिति है, ये वाली एनर्जी में आपके पर्सन है। अब ये तो वही आपके पर्सन की बात। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन के लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन के लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी होगी तो आपको तो पता होगा, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ भी उनके लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ पर भी विचार उनके मिल नहीं रहे, है ना, जो पास्ट में प्यार दिखा रहे थे वो दोनों, है ना, अब ऐसा कुछ वहाँ पर है नहीं, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो रही है, तो इस वजह से आपके पर्सन वहाँ पर भी अगर थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पर भी परेशान है, ठीक है, वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को, किसी भी तरह उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी निकल नहीं पा रहे, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं उनकी, हो सकता है थर्ड पार्टी के प्रोवाइडर हैं या अपनी फैमिली के वो प्रोवाइडर हैं, तो वहाँ से निकल नहीं पा रहे। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है या उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, है ना, ये भी बात है, तो थर्ड पार्टी से वो निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी आपके पर्सन हैं और बहुत ज़्यादा स्टक वहाँ पर अपने आप को महसूस कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े तो वहाँ पर भी हैं। और आपके लिए क्या सोच रहे हैं अगर बात करें गाइस, तो ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, जो भी अभी परेशानियाँ आप दोनों के रिश्ते में हैं इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी अभी चल रहा है या पास्ट में जो भी कुछ हुआ उन सबको भूलकर अब वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को किसी भी तरह वो सुधारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों बात करें और सॉल्व हो सारी प्रॉब्लम, क्योंकि बिना बात किए तो बात बनेगी नहीं, ये भी बात है, अगर आप भी बैठे रहेंगे और वो भी बैठे रहेंगे तो बात बनेगी नहीं, इसलिए वो चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, वो चाहते हैं कि आपसे बातचीत करके जो भी समस्या है उसको सुलझाया जाए, है ना, जो भी अगर क्लैरिटी वो आपको नहीं दे रहे थे पास्ट में तो क्लैरिटी वो देना चाहते हैं, ऐसी आपकी पर्सन की एनर्जी है, तो किसी भी तरह आपके साथ अपना रिश्ता वो सुधार कर और आप ही के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन का अभी का जो वो आपकी उनकी एनर्जी जो है अभी की वो यही है कि आपके साथ ही फ्यूचर वो देख रहे हैं, शादी चाहते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अलग हो चुके हैं, तो आपके साथ अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से भी कुछ लोग अलग हुए हैं, हस्बैंड वाइफ तो थे लेकिन अलग हो गए इसी वजह से कि थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन की फैमिली दिखाई देती है, उनकी वजह से ही कोई ना कोई फैमिली में उनके ऐसा है जो आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहता, आपको दोनों को एक साथ रहने नहीं देना चाहता, और उसी वजह से आपके पर्सन भी उसकी बातों में आ गए और आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, लेकिन अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ही निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई देता है।
और अगर आप लोग अभी तक अनमैरिड हैं, ठीक है, आप दोनों की शादी नहीं हुआ, आप रिलेशनशिप में ही थे, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, क्योंकि पास्ट में कमिटमेंट का भी इशू रहा है कुछ लोगों के साथ कि आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे लेकिन वो दे नहीं रहे थे, है ना, लेकिन अब वो देना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आपसे बात करके जो भी समस्या है उसको सुलझाया जाए और आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि फ्यूचर आप ही के साथ वो चाहते हैं। अब आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जो रेस्पेक्ट आप दे रहे थे, जो लव आप दे रहे थे, जो केयर करके आप दिखाते थे, मतलब कर भी रहे थे, दिखा रहे थे, इसका मतलब ये है कि कर भी रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप अपने पर्सन का कर रहे थे, लेकिन अब वही सब आपके पर्सन को नहीं मिल पा रहा है जहाँ भी वह भी हैं, तो इसलिए भी वो चाहते हैं कि भाई आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपके साथ इस रिश्ते को, जो रिश्ता आपका ख़राब हुआ है ना, इसको वो बचाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन हैं, वो नहीं चाहते आपको छोड़ना, आपका साथ होने चाहिए, क्योंकि आपके बिना तो बहुत ज़्यादा अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी भी हैं, फिर भी वो वहाँ पर रहकर अकेलापन महसूस करते हैं, आपको ही याद कर रहे हैं, इस वजह से इस रिश्ते को वो बचाना चाहते हैं, किसी भी तरह आपकी तरफ उन्हें बढ़ना है, ये आपके पर्सन बार बार सोचते हैं। और आपके पर्सन के यहाँ पर हेल्थ इशू भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है उनकी तबीयत भी ख़राब हो, क्योंकि रातों की नींद भी उनकी उड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक से वो सो नहीं पाते ऐसा दिखाई दे रहा है, और उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि किस तरह इस रिश्ते को बचाया जाए, किस तरह आपसे बातचीत शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का तो नो कॉन्टैक्ट है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी बातचीत होती भी है तो पहले की तरह नहीं है, है ना, आपके पर्सन का थोड़ा सा बिहेवियर आपको चेंज लगता होगा कि पहले से ज़्यादा वो बदल चुके हैं, कि अब उस तरह से बातचीत नहीं हो रही जैसे पहले होती थी, है ना, बात हो तो रही है लेकिन वो वाला अब वो नहीं है, वो प्यार आपको नहीं दिख रहा होगा, और कुछ का तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट ही है, तो इसी वजह से आपके पर्सन चाह रहे हैं कि किसी भी तरह बातचीत तो शुरू की जाए और इस जो भी समस्या थी उसको सुलझाया जाए, जो भी बातचीत से ही हल होता है सब कुछ, ठीक है, चुप बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, और आपके पर्सन इस रिश्ते को ख़राब करना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को बचाना है, किसी भी तरह आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। देखिए गाइस, आपको लगता होगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके बिना, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब दिखावा है, ठीक है, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है, जो दिल में दर्द है वो किसी को दिखा नहीं रहे, बस वो हो सकता है सोशल मीडिया पर ऐसे फ़ोटोज़ डालते होंगे या ऐसे स्टेटस, तो आपको लगता है कि वो खुश है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है, वो कितने ज़्यादा परेशान है वो तो समझ में आता है, ठीक है, तो इस वजह से आप ये मत सोचो कि वो आपके बिना खुश हैं या उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, हाँ कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, मैरिड होंगे तो हस्बैंड वाइफ की जिम्मेदारी, प्रोवाइडर हो सकते हैं ना, तो इस कुछ ना कुछ परेशानियों की वजह से ही वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन वो भी नहीं चाहते इस रिश्ते को ख़राब करना, वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, और आज नहीं तो कल उन्हें आपकी तरफ बढ़ना ही है, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि रीयूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उन्हें तो आपकी तरफ बढ़ना ही है, और ये जनरल रीडिंग है, फिर से बता देती हूँ, जनरल है, कलेक्टिव है, तो सबके साथ अब रेजोनेट तो नहीं करेगा, है ना, अगर आपके साथ इतना कुछ रेजोनेट किया है तो आगे भी करेगा, जो आगे बताएंगे वो भी करेगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है रेजोनेट तो ज़बरदस्ती रीडिंग को सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप भी परेशान दिखाई देते हैं गाइस, क्योंकि आपको भी कुछ समझ में आ नहीं रहा कि इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग भी कोई ये तो नहीं है कि सब कुछ ठीक है आपके साथ, आपके साथ भी है परेशानियाँ, लेकिन आप अपने काम पर भी फोकस कर रहे हो, पहले की तरह अब नहीं हो कि आप अपने पर्सन को याद करते हुए अपने काम धंधे छोड़ के बैठे रहते थे, पर वो अभी एनर्जी आपकी नहीं है, आप काम पर तो फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव भी आप सीख रहे हो, ठीक है करना ही है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में चलता है ये सब कि आपके पर्सन पता नहीं आप आगे क्या करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी या नहीं, तो यहाँ पर परेशान तो आप भी हो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो परेशान, लेकिन यहाँ पर आप अगर परेशान हो तो आपके पर्सन भी तो परेशान है, तो आपके भी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के हेल्थ इशू हैं, क्योंकि स्ट्रेस आप लोग भी ले रहे हो, तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि आप लोगों के भी हेल्थ इशू होंगे, कुछ ना कुछ चल रहा होगा आपके भी साथ, है ना, समस्या शारीरिक चल रही होगी, लेकिन वही है कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप स्ट्रेस लेके उस पर्सन को तो हासिल कर नहीं सकते, है ना, आपकी अपनी ही हेल्थ को आप ख़राब कर लोगे भले, लेकिन आपके रोने परेशान होने से या चिंता करने से वो आ जाएगा ऐसा तो नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो वो ठीक है, उसी को करो, और इधर उधर अभी अपने पर्सन के बारे में सोचना है, रोना है, परेशान होना है, ये सब बात अभी छोड़ दो, ठीक है, वो आना वाला आएगा ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक, लेकिन आप परेशान हो गए तो आपकी हेल्थ जाने वाली है, ये समझ लो।
और हर कार्ड यही कहता है गाइस कि रीयूनियन तो होना ही है, ठीक है। तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आपके पर्सन को तो समझाया नहीं जा सकता, अब वो पता नहीं टैरो रीडिंग देखते भी हैं या नहीं या सुनते हैं या नहीं, लेकिन आप तो सुनते हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको परेशान नहीं होना है। अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर भी आप लोग में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों को सोते नहीं है, यही चलते रहता है आपके दिमाग में कि क्या होगा क्या होगा, तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, सब सही होगा, बस आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और उम्मीद तो छोड़नी नहीं चाहिए इंसान को, हर चीज़ जो भी आपके पास नहीं है आपको चाहिए उसके लिए उम्मीद तो रहना ही चाहिए। उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर क्या है, ठीक है। और पॉजिटिव रहना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि रीयूनियन तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये ऑन ऑफ वाला जो रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का, ऑन ऑफ सिचुएशन चलती थी, ठीक है, कभी भी आ गए कभी भी चले गए, तो अब ये नहीं होने वाला है, इतना आप समझ लो, ये नहीं होगा, ठीक है। आपके पर्सन आएंगे तो पूरी तरह से अब आपकी तरफ आएंगे, और आ गए तो फिर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको छोड़कर देख चुके हैं, आपसे दूर होकर देख चुके हैं, और जो उनके साथ हुआ है वो उन्हीं को पता है, ठीक है। आपसे अलग रहकर वो किस हाल में, वो वही जानते हैं। तो अब वो आएंगे तो पूरी तरह से आपकी तरफ बढ़ेंगे, और ये ऑन ऑफ वाला जो चलता था ना सिचुएशन, अब ये नहीं रहेगा। देर तो लग रही है, ठीक है, वेट तो करना पड़ रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा अगर, तो फिर वेट करने में भी तो कोई ये नहीं है ना, बुराई नहीं है, ठीक है। अगर वेट करने से हमारा परमानेंट रीयूनियन देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी इतने टाइम से कर ही रहे हो, कर सकते हो तो थोड़ा और कर लो, ठीक है। अब नहीं कर सकते तो मूव ऑन भी कर सकते हैं। तो समझ गए गाइस, रीयूनियन यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो खुद ही इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ तो उन्हें बढ़ना है। और अब अगर आएंगे ना तो जाने वाले नहीं हैं, इतना भी आप जान लो, ठीक है। तो आप भी गाइस पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए, और किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।